तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो कल क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की दो सबसे बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई। हाँ, एक को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, वो इसलिए भी क्योंकि गदर फर्स्ट के साथ जो इमोशन जुड़े थे लोगों के जब मूवी 2001 में आई थी, उसने गदर 2 को काफी बूस्ट करा। और दूसरी तरफ OMG 2 हालांकि इसके फर्स्ट पार्ट से भी काफी ऑडियंस बूस्ट करके OMG 2 के लिए वेट कर रही थी, लेकिन किस्मत की मारी OMG 2 को सेंसर बोर्ड ने जो पानी भिगो भिगो के मारा है, और उसका रिजल्ट कल हमने देख ही लिया। एक सुपर फैंटास्टिक कंटेंट होने के बावजूद मूवी ने सिर्फ एवरेज ग्रोथ ही अपने खाते में रख पाई। दूसरी तरफ गदर 2 ने अपने मसालेदार एक्शन के दम पर और सनी पाजी की दहाड़ के दम पर भर भर कर बिजनेस किया है। तो आज बात करेंगे कल इन दोनों फिल्मों में कैसी ओपनिंग ली, सुबह से लेकर शाम तक कैसा सिनेरियो रहा थिएटर्स में, कितनी एडवांस बुकिंग के साथ मूवी ने खाता खोला कौन सी फिल्म ने, और टोटल कल कितनी कमाई ये दोनों फिल्में अपने खाते में रख पाई अपने पहले दिन में। तो आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। अगर आप भी इन दोनों फिल्मों से जुड़ी सभी अपडेट्स चाहते हैं और सनी पाजी, अक्षय पाजी और पंकज त्रिपाठी के डायहार्ड फैन हैं तब, लेकिन उससे पहले आप बिना पैसा खर्च के वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे पहले OMG 2 की। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी थी जो अपने पहले दिन में 20 करोड़ की ओपनिंग डिजर्व करती थी सिर्फ इंडिया से, क्योंकि कंटेंट ओरिएंटेड मूवी थी जिसने ड्रामेटिक वे में जनता को काफी सॉलिड सोशल मैसेज देने की कोशिश करी है। और ऐसा नहीं है कि हवा हवा में कुछ भी कहानी हो, बिल्कुल पब्लिक के बीच से जो बिल्कुल रॉ प्रॉब्लम्स हैं उसे उठाकर जनता के सामने रखा गया है। दूसरा, जब ट्रेलर आया था लोगों ने भर भर के प्यार दिया था, लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे मूवी का, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस बार इतना पानी भिगो भिगो कर मारा है OMG 2 को, वो अपने पहले दिन में ढंग से खड़ी भी ना हो पाई। दोस्तों मूवी को ए रेटिंग दी गई थी यानी एडल्ट कॉन्टेंट, जबकि मैंने मूवी देखी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा उसमें कि ए रेटिंग देनी चाहिए थी, जबकि इससे खतरनाक डायलॉग हनुमान जी का आदि पुरुष में था और उसे सेंसर बोर्ड ने एडिट तक नहीं करवाया। लेकिन यहाँ मूवी में 27 कट्स लगाए गए, ढेर सारे चेंजेस और एडिट कराए गए, जो कि साफ समझ में आ रहा था आखिर एक्चुअल सीन होने क्या वाला है और क्या हो रहा है। बात करें दोस्तों एडवांस कलेक्शन और बुकिंग और कल फुल डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो पहले तो ये बताऊंगा कि पहले पहल मूवी को 2500 स्क्रीन दी जानी थी, लेकिन फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट एडवांस बुकिंग में गदर 2 की तरफ खिसकता देख फाइनल डे पर मूवी को सिर्फ 1600 स्क्रीन पर ही रिलीज करा गया। इसी के साथ दोस्तों सुबह तक एडवांस बुकिंग में टोटल 1,70,000 टिकट ये बेच चुकी थी PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस को भी मिलाकर। इसी के साथ दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट कल शाम को जब आया, OMG 2 ने अपने ओपनिंग डे में लगभग 6 से 6.5 करोड़ की एडवांस कलेक्शन कर लिया था, एक एवरेज ओपनिंग से अपना खाता खोला था। जी हां दोस्तों, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट स्लो था, लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग तक अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिला था और अपने पहले दिन यानी कल को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। तो इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में लगभग 12.5 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखा था। दोस्तों अगर गदर 2 से इस फिल्म का क्लैश नहीं होता तो सिर्फ इंडिया से OMG 2 लगभग 20 से 25 करोड़ की ओपनिंग आराम से ले सकती थी, क्योंकि पब्लिक की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले मूवी को और क्रिटिक्स ने भी कंटेंट बेस पर इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बताया है OMG 2 को। जहां दोस्तों कल अपने पहले दिन में पूरी दुनिया से मूवी ने 16 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी, जो मैंने अनुमान लगाया था कि अराउंड 15 करोड़ से खाता खोलेगी अपने पहले दिन में पूरी दुनिया से, और हुआ वैसा ही। लेकिन दूसरी तरफ बात करें गदर 2 की, तो यस, जैसा नाम वैसा काम, पूरे दिन जो गदर 2 ने जो गदर मचाया है इस फिल्म ने सभी जानते हैं। और सिर्फ कल को ही नहीं, 9 और 10 अगस्त को भी एडवांस बुकिंग में जो आंकड़ा देखने को मिला मूवी से, अनबिलीवेबल नंबर सामने आए थे। जी दोस्तों मूवी के बारे में अगर बात करूं तो मूवी ने दबा के एक्शन ही एक्शन मिलेगा आपको। सनी पाजी से जितना हो सकता था उन्होंने सब किया, टैंक का जो बारूद छोड़ने वाला पाइप होता है उसे मोड़ा, हथौड़ा मारकर पूरी जिप्सी पलट दी, आधुनिक हथियारों से लैस पूरी की पूरी सेना को अकेले ही सनी पाजी ने ढेर कर दिया, मतलब छक्के छुड़ा दिए। सैकड़ों में गोलियां बरस रही थी और दर्जनों में बम गिर रहे थे, लेकिन मजाल हो हमारे सनी पाजी को खरोंच भी आई हो। बाकी मसाले की कोई कमी नहीं है मूवी में, जनता ने गदर 2 को भर भर के प्यार दिया है। 2001 में जो इमोशन छोड़ के आए थे लोग, जनता की वही 22 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। कुछ कुछ सीन्स बहुत प्यारे हैं मूवी में जो वाकई में हमारी बचपनों की यादें ताजा कर देती हैं, और ये कनेक्ट कर रहे होंगे जो 90s और 2000s के किड्स हैं। बाकी मूवी ऑसम है। अब बात करते हैं कल पूरे दिन कैसा क्या सिनेरियो रहा एडवांस कलेक्शन को लेकर, एडवांस बुकिंग को लेकर और फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। जी दोस्तों मूवी को पूरी 4000 स्क्रीन पर रिलीज कराया गया था और जो तहलका मचाया है पूरे दिन हम सब जानते ही हैं। यस, कल सुबह तक गदर 2 722,000 टिकट बेच चुकी थी और परसों रात भर बुकिंग चलने के कारण सुबह तक 17.60 करोड़ का कलेक्शन मूवी कर चुकी थी सिर्फ एडवांस से। लेकिन दोस्तों शाम तक जब ऑफिशियल आंकड़े सामने आए तब पता चला गदर 2 ने सिर्फ एडवांस बुकिंग से 23
करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया था और इसने साबित कर दिया यस 22 साल बाद आज मैं फिर 11 अगस्त 2023 को इतिहास लिखने वाली हूँ। और हुआ वैसा ही, इतनी बड़ी एडवांस बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलती है और जितना गदर 2 ने 23 करोड़ का एडवांस किया है इतना तो बाकी फिल्मों की पहले दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की तमन्ना होती है। इसी के साथ दोस्तों, अपने पहले दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस से 42 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। दूसरी तरफ दोस्तों, ऑल इंडिया ग्रॉस और पूरी दुनिया को मिलाकर मूवी ने लगभग में लगभग 49 से 50 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रख लिया था। अगर OMG 2 से इसका क्लैश ना होता तो शायद यह आंकड़ा 62 से 65 करोड़ के पास ज्यादा दिख सकता था। जी दोस्तों, नो डाउट जनता ने दिल ठोक के बता दिया कि सनी पाजी वी लव यू। और क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग है भाई, मजा आ गया। आफ्टर पठान इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है गदर 2। दोस्तों ये भगदड़ हमें कल पूरे दिन देखने को मिली थी जिसमें गदर 2 ने एक तरफा पब्लिक को अपनी तरफ खींचा और एक तरफा पैसा ही पैसा अपने खाते में रखा। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी कल इस भगदड़ में शामिल थे तो आप बताइए कि आपने पहले कौन सी फिल्म देखी थी और कौन सी फिल्म आपको बेस्ट लगी। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।